بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده फ़ैनबी उकम बी मैकुम तुम तम सदल्जी अल्लाह रब्ज़त का बहुत ही शक्र है उसका एहसान है कि उसने हमें रम़ानमबारक के इस मुबारक और बरकत वाले महीने में रम़ान के अंदर कुरान के साथ तल्लु को सवार करने और मज़बूत करने का मौका अता फ़रमाया आज अलहदुल्ला रमज़ान का दूसरा अशर यानी ग्यारहवा रोज़ा है और ग्यारहवा पारा आज हमारे मजामी का अहम मौजू होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से जो भी नेमत और जो भी तौफीक है उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी किताब को समझने के लिए उसकी किताब के साथ अपने आप को वाबस्ता करने के लिए ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए और हमारे साथ जितने लोग वाबस्ता हैं उनको भी इसमें शामिल करवाने की कोशिश करनी चाहिए तो आप लोग जहाँ जहाँ भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आप लोग भी कोशिश करें कि इस खैर को और कुरान करीम के इस फहम को दूसरे तक आम करें जो भी आपके जानने वाले दोस्त और अहबाब हैं सबको इसके अंदर दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दौरा कुरान के अंदर जो मजामी हम बयान कर रहे हैं वो सुन सकें और फ़ायदा उठा सकें इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम सब अपने आप को जो हम किताब के ऊपर कलाम के ऊपर अल्लाह के कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं अपने ताल्लुक़ को फ़ेहम और शूर के साथ मजबूत कर सकें ये बहुत ज़रूरी है कुरान से हमारा एक तल्लु ईमान का ताल्लुक है और दूसरा कुरान के साथ जो हमारा ताल्लुक मज़बूत होने का ज़रिया है वो कि हम इसको जितना समझेंगे इसके अंदर जितना गौर और फिक्र करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इसके साथ मोहब्बत का और इतना ज़्यादा हमारी इसके साथ अटैचमेंट होगी तो इसलिए हम सबको अपने अपने दायरे के अंदर भी और फिर हमारे से जितने भी लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं उनको भी इसके अंदर शामिल करवाने की कोशिश करनी चाहिए आज के दर्श में इंशाल्लाह सूरह तौबा जो कल हमने शुरू की थी या सूरह बराज का दूसरा नाम है उसके आयत नंबर चौरानवे से सूरा यूनुस की आयत नंबर एक और नौ यूनुस आज मुकम्मल होगी। तो ग्यारहवें पारे के अख्ताम पर सूरा यूनुस ये मुकम्मल हो जाएगी और कल इन श्ला बारहवें पारे में सराह हूद और सरायूसफ के मजामी आएंगे कल का जो हमारा दौरा कुरान था उसमें आखिर में हमने तबूक के हवाले से कुछ, कुछ गुफ्तु की थी और तबूक ये हजूर अल सात व की जिंदगी का आप समझ लीजिए कि आखिरी गस्बा है जिसमें हजूर अली सात वालाम खुद तशरीफ़ ले गए और जितनी भी जंग हजूर अल सात वाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लड़ना पड़ी जितने भी गजबात में आपको शरीक होना पड़ा उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा तैयारी वाला और सबसे ज़्यादा बड़ा मार्का ये तबूत वाला मार्का था इसके अंदर ग्यारहवें पाले की जो पहली आयत मैंने आप सामने तिलावत की है इसमें ताली ने उस मार्के के अंदर जो लोग शामिल नहीं हो सके उनमें से जो मुनाफिकीन थे उनका तफसल के साथ ज़िक्र किया है और उसमें अल्लाह ताली ने दरअसल हर वक्त के मुनाफिकीन को और हर वक्त के उन लोगों को के जो बाहर ईमान का दावा करते हैं लेकिन जब ईमान की पुकार पर और अल्लाह की पुकार पर कुर्बानी देने का वक्त आता है अपने आप को पेश करने का वक्त आता है तो हीले बहाने करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका तफसीली तस्करा अल्लाह ने इस सूरत के अंदर किया है और उसी जो उनका रवैया था उनके जो मामला थे उनकी कुछ बातें अल्लाह ने इस सूरत के अंदर जिक्र की हैं उनका आज हम मुताल करेंगे जो तबूक है हजूर आल सात ने मदीना से जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी जंग के लिए सफ़र किया है वो तबूक का सफ़र है बदर और ओहद जो हैं वो मदीना के करीब कुरब जवार के अंदर हुई हैं उसके बाद फिर खंदक हजूर ने मदीना के अंदर रह के लड़ी है खैबर भी मदीना के पड़ोस के अंदर जो यहूदियों का अला था वहाँ पर हजूर गए हैं और उसके बाद फतः मक्का के लिए हुजूर गए हैं और उसके बाद हुनैन के मैदान में हवाजन और शकीफ़ का मुकाबला करने के लिए हुजूर गए हैं जो मक्का और तइफ़ के दरमियान है लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस के ऊपर हुजूर कोई अपनी फ़ौज को अपने सहाबा को साथ लेके गए हैं किसी ग़बे के अंदर वो ये तबूक का सफ़र है अभी जो सफ़र है ये इस सफ़र के हवाले से उस वक़्त जिन दिनों के अंदर ये सफ़र दरपेश था हज़ू अल सात वालाम को इतला मिली इससे ऊपर जितनी भी जितनी भी रियासत थी ये सारी रोम के तहत आती थी।, थी और रोम उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी दो ही बड़ी सुपर पावर थी एक रोम की सल्तनत और एक ईरान की सल्तनत तो रोम का जो बादशाह था उसकी ये सारी सल्तनत जो थी ये तबूक तक उसका दायरा कार आता था, था तो उसने ये फैसला किया कि हजूर अल सात असलाम के खिलाफ सफबंदी की जाए और हजूर को शिकस्त दी जाए इसलिए कि इस्लाम जो जजीरतलारब के अंदर मुस्कम हो चुका था और ख़दशा था कि आगे चलकर ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेट बनेगी उसे रोकने के लिए उसने पेश कदमी करने का फ़ैसला किया हुजूर हजू को कोह मिली तो हुजूर हजूर आल सात ने अपने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया और ये वो मार्का था कि जिसके अंदर हजूर आतम ने हर एक से कहा कि वो अब इस जंग के अंदर लाजमी तौर पर शरीक होगा उसको इसके अंदर फ़र्ज के तौर पर ये जंग जो है वो फ़र्ज के तौर पर उसको लाजमी लड़नी है तो अल्लाह रब्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हर एक को जंग के लिए तैयार करो और आज किसी को इस मार्के से छुट्टी नहीं है तो उस वक्त जो हालात थे उसमें तीन बातें समझने की हैं कि सहरा का सफर था और गर्मी का सफर था और सख्त गर्मी थी यानी जून जुलाई की जो गर्मी होती है गर्म इलाकों में और खासतौर पर जब उसमें लू चलती है और आम हालात में वहां पर बाहर रहना इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता तो एक लंबा सफर और सफर भी घोड़ा गौड़ो, घोड़ों के ऊपर रूटों के ऊपर यह सफर जो है वो तय करना था तो हुजूर हज़ू आलसात सलाम ने उस सख्त मौसम के अंदर साहबा से कहा कि तैयारी करें दूसरा मरहला ये था कि उस वक्त फसलों की तैयारी का वक़्त था और फसल भी कौन सी खजूर की जो साल में सिर्फ एक दफ़ा होती है तो फसल पकने का वक्त है और वह फसल कि जिसे आगे सारा साल इस्तेमाल करना है किसी ने बेच के उससे नफ़ा कमा के अपने लिए जो भी तजारत और बिस और किसी ने खुराक के लिए तो ये उनको बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस वक्त पकी हुई फसल को छोड़कर जहाद के लिए निकला जाए और तीसरा बहुत बड़ा जो एक मसला था वो ये था कि ये जंग मुशिकी मक्का के ख़िलाफ़ या छोटे मोटे किसी यहूद के कबीले के खिलाफ नहीं बल्कि ये उस वक्त की सुपर पावर के खिलाफ मारेगा है रोम के खिलाफ ये जंग है तो इन तीन बड़े चैलेंजेस के बावजूद हज़ूर अल सात ने अपने सहाबा से कहा कि अल्लाह का हुक्म है और हमें निकलना है और मैदान जहाद के अंदर अपनी जो हमारा हमने अल्लाह के साथ अहद किया है उस अहद को पूरा करना है और बड़ी ही खूबसूरत आयात है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये जान और माल जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है इसके हवाले से एक तजारत और एक बै का कॉन्सेप्ट हमें दिया है उसका आगे चल के जिक्र आएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को लेकर तबूक के मैदान पर पहुँचे और तबूक में उस वक्त रोम के बादशाह को पता चला कि हज़ूर सात तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं अब वो हजूर के चलने की वजह से चाहे वो उसके ऊपर रोप तारी हुआ और वो नहीं आ सका या उसकी जंग की तैयारी नहीं थी तो वो मुकाबले पर नहीं आया और हजूर अल सात अपने सहाबा के साथ कुछ दिन वहाँ पे क्याम करने के बाद वापस मदीना मनवरा तशरीफ ले आए तो उस वक़्त जो हालात की सख्ती थी उसका मंजर कशी जो है वो कुरान करीम के नायात में हुई है जो दसवें पारे का अख्ताम है और ग्यारहवें पारे का थोड़ा सा आगाज़ है और फिर अल्लाह ताली ने मुनाफिक का रवैया बड़ी वजाहत के साथ और मख्तलिफ़ हवालों के साथ इस सूरत में बयान फ़रमाया है जब मुनाफिकीन से कहा गया कि अब किसी को छुट्टी नहीं है और हर एक को इस जंग में शामिल होना है तो उन्होंने मुख्तलिफ बहाने घरने शुरू किए और मुख्तलिफ तावीलें देना आके शुरू की तो किसी ने आके कहा नऊकान आरा दिन करीब व कासिदन लत अगर ये सफ़र करीब का सफ़र होता तो हम आपके साथ शामिल हो जाते मैं इतना लम्बा सफ़र करने से माजूर हूँ मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं इतना लम्बा सफ़र कर सकूँ तो इसलिए लम्बे सफ़र की वजह से मैं इस मार्केट में शामिल होने से छुट्टी चाहता हूँ और फिर कोई आया और उसने कहा कि वमिन होम मई उजली वला तफ्नी कि आप मुझे इस मार्के में शामिल होने से रुखत दे दें क्योंकि अगर मैं शामिल हूँगा तो मुझे फितने में पढ़ने का ख़शा है और कैसी गंदी जहनीत थी उन लोगों की बजाहर कि बाहिर वो कहते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं अल्लाह के रसूल को मानते हैं लेकिन जंग में अपने आप को अपने आप को छुट्टी लेने के लिए और इस मार्के में शामिल न होने के लिए उन्होंने जो बहाने घड़े उसके बारे में इस आयत की शान नजूल के अंदर और तफसीर के अंदर ये बात लिखी है कि मुनाफिक ने आके कहा कि मैं रोम की तरफ सफ़र नहीं करना चाहता और मुझे अगर मैं सफ़र करूँ तो फितने में पढ़ने का खदशा है कि वहाँ की औरतें देख के मेरा ईमान जो है वो ज़ाया हो जाएगा तो जंग में शामिल न होने की जो उज़र उन्होंने तराशे और कितने बेहदा उज़र उन्होंने तराशे उसकी मंजरकशी कुरान करीम ने इनायात के अंदर की है और फिर एक तीसरा उनका रवैया जिसका कुरान ने यहाँ पे नक्शा खेचा कि सदकात कि ये ना सिर्फ उन्होंने खुद इन्फाक़ नहीं किया और जंग में हिस्सा नहीं लिया बल्कि जिस वक्त तैयारी का मरहला था और मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे और हजूर आलह सात वाम ने हर एक से कहा था कि जो मैक्मम जितना दे सकता है आज अल्लाह को तुम्हारे मालों की ज़रूरत है इस जंग में कामयाबी के लिए यानी अपनी जानों को भी पेश करना है अपने आप को भी जंग के लिए तैयार करो लेकिन उस जंग की तैयारी में माल जो है वो भी पेश किए जाए और बड़ी ही बेहतरीन और बड़ी ही ईमान अफरोज़ दास्तान है उस पूरी जंग की तैयारी जिस तरह हुजूर अलैहि सरात व सहाबा ने की और जिसके पास जो कुछ था उसने पेश कर दिया वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप सुनते हैं ना कि उन्होंने घर का सारा सामान पेश कर दिया वो इसी तबूक के मौके पर हजरत उमर फारूक जो ये समझते थे कि आज वो हजरत अबू बकर को पीछे छोड़ देंगे और अपने माल का आधा जो है हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया तो जब वो हुजूर की खिदमत में आए और पता चला कि अबू बकर तो अपने घर का सारा सामान जो है हजूर की खिदमत में ले आए हैं यानी अपनी कुल पूंजी इस मार्के की कामयाबी के लिए अल्लाह के रस्ते में वक्फ़ कर दी है तो हज़रतमर ने कहा कि अबू बकर मैं आपसे सबकत नहीं ले जा सकता वाक़ ही आप हमेशा आगे बढ़ जाने वाले हैं और फिर अब्दुलरहमान इबन ओफ़ हज़रतमान इब्न गनी जिन्होंने ऊँटों ऊँटों के ऊँट जो है वो खुराक से लदे हुए ऊँट और इसी तरह असलह की ख़रीदारी के अंदर हज़रतरहन इब्ने ओफ ने अपने अशरफियाँ जो है वो इस क़दर पेश की कि हजूर आल सात साममाम ने जब वशरफियाँ देखी तो इब्ने ओफ से पूछा किब्दुलरहमान कितना लेके आए हो कितनी अशरफियाँ हैं तो अब्दरहन इबन ओफ ने कहा कि अल्लाह के रसुलसलम अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं उसके रस्से में अगर गिन के दूँ तो मुझे शर्म आती है तो जब अल्लाह मुझे बेहिस देता है तो फिर मैं उसके रस्ते के अंदर मुझे भी अल्लाह तोफीक दे कि मैं बेहिसाब दूँ और फिर इसी तरह जिसके पास पैसे नहीं थे उसके पास कोई कुछ भी नहीं था तो उसने ये बहाना सोच कर ये सोच कर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अपने आप को घर में बिठाया नहीं बल्कि उसने अल्लाह के रस्ते में कुछ न कुछ पेश करने के लिए अगर कुछ भी नहीं था तो रात को मेहनत की है सारी रात किसी यहदे के बाग को पानी लगाया है और उसके एवज़ जो खजूरें मिली हैं वो खजूरें ला के हज़ूर की खदमत में पेश कर दी है। और हुजूर वो सलाम वो हैं और हजूर अतलाम ने वो कबूल फरमाई है और उसके ईमान की तारीफ़ की है ये तो मुखल सहाबा का अमल था कि वो जिसके पास ज्यादा था वो ज्यादा दे रहा था जिसके पास थोड़ा था वो थोड़ा दे रहा था और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो रात को मेहनत करके मेहनत मजदूरी करके कि मैं इनफ़ाक के दर्जात में कहीं पीछे न रह जाऊं ये जो इतना बड़ा अल्लाह ने नेकी कमाने का मौका दिया है जन्नत हासिल करने का मौका दिया है कहीं मैं पीछे न रह जाऊं तो सारी रात मेहनत करके कुछ खजूरें वो भी लेके आ जाता था अब मुनाफिकीन का रद्दमल किया था अल्लाह ने वह मंजरकशी यहाँ पे की है कि जो सदक़ात के अंदर अल्लाह के रस्ते में इफ़ाक़ के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं तो जो बाहर ऐलान करके दे रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं तो उनके बारे में कहते कि देखो ये तो दिखलावे के लिए दे रहे हैं ये तो अपने आप को बड़ा सखी कहलवाना चाहते हैं यानी खुद देना नहीं है और जो दे रहा है उसके ऊपर तनकीद करनी है उसके ऊपर फतवा लगाना है हमारे यहाँ भी आज ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो किसी प्रोग्राम के अंदर जहां पे सदक़ात इकट्ठे हो रहे हो किसी कॉज के लिए लोग पैसे दे रहे हो तो जो बड़ा ऐलान करता है कि मैं एक मिलियन देता हूं मैं हाफ मिलियन देता हूं मैं पांच मिलियन देता हूं तो उसके बारे में फटाफट कहते हैं कि देखो जी अपना नाम बड़ा कहलवाने के लिए इसने इतनी बड़ी रकम दी है भाई अगर उसने अपना नाम बड़ा कहलवाने के लिए दी भी है तो उसकी नीयत का अल्लाह ने आपको कहाँ से दे दिया है कि आपके पास गैब का इलम है या आप दिल का हाल जानते हैं कि वो क्यों दे रहा है अगर वो अपने आप को सखी कहलवाने के लिए दे भी रहा है ये उसका और अल्लाह का मामला है अल्लाह दिलों के हाल जानता है आप उसके बारे में फतवा लगा के क्यों अपने आमाल ज़ाया करते हैं तो उन्होंने इस वक्त के मुराफ़िक ने कहा कि देखो जी बड़े सखी बनते हैं अपने आप को बड़ा कहलवाने के, के लिए अल्लाह के रस्से में पैसे दे रहे हैं और फिर इसी तरह जिसने बहुत थोड़ा दिया था जिसके पास और कुछ नहीं था रात को मेहनत करके चंद खजूरें ले आया था तो उसके बारे में कहने लगे कि देखो अब इन खजूरों के एक मुठ्ठी से अल्लाह की अल्लाह की जो फ़ौज है रसूलुल्लाह की जो फौज है इसे फतह मिलेगी यानी ज्यादा देने वाले पर रयाकारी का इल्ज़ाम लगाते थोड़ा देने वाले को उसकी इज्जत नस्ब पर हमला करते और उसकी तरफ से जो इसीलिए फिर हजूर आल सात ने उन खजूरों को पूरे ढेर के ऊपर फैलाया और कहा कि जो अजर इस सहाबी को मिलना है रात मेहनत करके ये जो चंद खजूरें लाया है यह बाकी ढेर पर अफजल है अल्लाह तो नीयतों को देखता है अल्लाह तो दिलों के हाल को देखता है अल्लाह को इससे कोई उसको सरोकार नहीं है कि कौन कितना देता है उसको तो इस चीज से गर्ज है कि कौन किस नीयत से और किस इरादे से देता है इसीलिए शरीयत के अंदर ये उसूल है कि जो आदमी मुश्किल हालात के अंदर भी दीन के ऊपर अमल करता है उसका अजर ज्यादा है बनिस्बत उसके जो सहूलत के साथ अमल करता है हुजूर ने एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी कुरान पढ़ता है उसको अजर मिलता है अल्लाह की तरफ से लेकिन ये कुरान पढ़ते हुए जिसको जबान के अंदर लुकनत है और वो अपने आप को मुश्किल में डाल के फिर भी कुरान के हरूफ की अदायगी की सही कोशिश करता है उसको डबल अजर मिलता है इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जो अहले किताब थे पहले हजरत ईसा पर ईमान रखते थे जब वो अहले ईमान में शामिल होते हैं यानी हुजूर की नबूवत पर ईमान लाते हैं उनको दोहरा अजर मिलता है तो जो मुश्किल हालात के अंदर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करता है बेहतर अमल करने की कोशिश करता है उसको ज़्यादा अजर मिलता है एक आदमी है कि जिसको अल्लाह ने बहुत दिया है उसको ज़्यादा देने पर अल्लाह जर देते हैं लेकिन एक आदमी है जिसको अल्लाह ने इफ़ाक या माल के अंदर जो है वो उसकी वसत नहीं है उसके पास ज्यादा माल नहीं है कि वो अल्लाह के रस्ते में बमुश्किल अपना गुजारा करता है अपने बीवी बच्चों की जरूरत को पूरा करता है लेकिन फिर भी इन का सवाब हासिल करने के लिए वो जो थोड़ा बहुत अल्लाह के रस्ते में पेश कर सकता है वो करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको कई गुना अजर ज्यादा देते हैं इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को नहीं देखता कितना बड़ा अमल है अल्लाह तुम्हारी नीयतों को और तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम किस नीयत के साथ और दिल के किस जज्बे के साथ अल्लाह के रस्ते में माल खर्च कर रहे हो तो मुनाफिकीन की यह कहानी जो अल्लाह ने सूरत तोबा में हमें सुनाई है और उनके जो, जो रवैया सुनाया है ये मेरी और आपकी इस्लाह के लिए भी है अगर हमारे दरमियान भी ऐसे रवैये मौजूद हों जो मुनाफिकीन के रवैये थे तो हमें इसलाह करने की ज़रूरत है और अल्लाह से तोबा मांगने की ज़रूरत है फिर इसके बाद एक और इन्होंने बड़ी बात कही कि ये इतना गर्मी का मौसम है इस गर्मी के मौसम में ही भला जंग करनी है तो वह कहते थे कि यह गर्मी के अंदर जो है वह निकलो अपने आप को हलाकत में मत डालो तो अल्लाह ने क्या कहा अल्लाह ने फरमाया वालू लातन फिर हर कुल नारहनम अशदर्रा उन्होंने कहा कि गर्मी में मत निकलो तो अल्लाह ने कहा कि जहन्नम की गर्मी इस गर्मी से कई गुना ज्यादा है जहन्नम की गर्मी की शिद्दत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और एक हदीस के मुताबिक जो जहन्नम की गर्मी है वो दुनिया की गर्मी से सत्तर गुना ज्यादा है यानी उसकी जो तपिश है उसकी जो सख्ती है वो बहुत ज्यादा है इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता दुनिया की आग इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता दुनिया की गर्मी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकेगा इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम इस दुनिया की गर्मी से डरते हो और जहन्नम की गर्मी की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है दुनिया के अंदर तुम्हें ऐश और इशरत और आराम की ज़िंदगी चाहिए और ये नहीं समझते कि जो हमेशा की ज़िंदगी है उसमें ऐश और आराम कहाँ से और कैसे मिल सकता है किन आमाल पर और किन रवैयों पर मिल सकता है फिर उसके बाद आगे ग्यारहवें पारे के अंदर ग्यारहवें पारे के आगाज़ में जहाँ से भी हमने पहली आयत की तिलावत की अल्लाह ताल ने जब हजूर अल सात वामबूक से वापस आ गए और ये मार्का जिसमें हुजूर ने अपने सहाबा को तैयार करके ले गए थे अल्लाह ने वहाँ पे तदबीर ऐसी की कि दुश्मन मुकाबले पे नहीं आया आप वापस आ गए तो वापस आकर फिर ये जो लोग रह गए थे ये तीन किस्म के लोग थे इन में बड़ी तादाद मुनाफिकीन की थी कि जो आके झूठे बहाने पेश करने लगे उजर पेश करने लगे और गलत तावीलें और गलत बहाने और झूठी कस्में उठाने लगे मैं इस वजह से नहीं गया कि मेरा बेटा बीमार था मैं इस वजह से नहीं गया कि मैं मेरी टांग के अंदर जो है वो फोड़ा निकल आया था मैं चल नहीं सकता था मैं इस वजह से नहीं गया कि मेरी माँ जो है वो बीमार थी यानी मुख्तलिफ हीले बहाने हर एक ने बनाए तो ये एक मुनाफिकीन का ग्रोह था जिन्होंने आके अल्लाह के रसूलसलम के सामने बहाने और उज़र तराश किए दूसरे दो ग्रोह थे एक हज़रत अबूल अबाबा और उनके छह साथी की जिन्होंने अपने आप को मस्जिद नबी के स्तून के साथ बांध लिया था हज़ू आल सात वाम जब वापस आए तो हजूर ने देखा कि इन्होंने अपने आप को स्तून से बांधा हुआ है तो हजूर ने पूछा कि क्या मामला है तो इन्होंने कहा कि हम जंग में आपके साथ शरीक नहीं हो सके थे हमसे गलती हुई है और सुस्ती हुई है और हम अपनी गलती के ऊपर और गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हैं और हमने बतौर सज़ा अपने आप को सतून से बांध लिया है हम अपने आप को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप हमें माफ़ नहीं करते तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने कहा कि जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी माफ़ी आएगी तभी माफ़ी मुमकिन है तो फिर अल्लाह ने वो आयात इरशात फरमाई जो ग्यारहवीं पारी की इब्तदा के अंदर आती हैं कि वह आखरून कि जिन्होंने अपने आप को बांध लिया था उनके बारे में अल्लाह ने उनकी तोबा को कबूल फरमाया तो हुजूर हजूर आल साम ने यह आयात उनको सुनाई और फिर उन्होंने सदक़े के तौर पर कुछ रकम हुजूर हजूर आल सात वसलम की खिदमत में पेश की शुक्राने के तौर पर कि उनकी तौबा कबूल हुई है उसके बारे में भी आयात आगे आ रही हैं और तीन सहाबा वो थे कि जिन्होंने हुजूर हज़ूर आई साम के आने के बाद उनकी खिदमत में पेश होकर अपना एतराफ़ जुर्म किया कि हमसे ग़लती हुई है सुस्ती हुई है हम हमारे पास कोई उज़र नहीं है कोई बहाना हम नहीं पेश करना चाहते हम अपनी हक, गलती का एतराफ़ करते हैं हमसे ग़लती हुई है तो हज़ू अल सात वालाम ने उनके बारे में फिर कहा कि आपके बारे में अल्लाह की तरफ से फैसला जब तक नहीं आ जाता तो आप जो है वो आप हमारे मुस्लिम सोसाइटी से आपका बाइकआउट है उसके बारे में आयात भी आगे चल कर आएंगी तो ये पूरी तबूक का जो जो मार्के का था उसके ऊपर एक तबसरा और उसका एक मुख्तसर सा जो अहवाल है वह मैंने आपकी खदमत में पेश किया है इसके बाद जो अहम चीज़ें हैं उसमें अल्लाह तयत के इन आयात के अंदर ग्यारहवें पारे की इन आयात में सूरह तौबा की इन इनायात में एक बात ये कही कि खुज़ मिन सदा सदकतन तो ताहिर हम व तो जकी हिम भी वो सहाबा के जिन्होंने अपने आप को सुतून से बांध लिया था और फिर अल्लाह ने उनकी माफ़ी की आयात नाजिल फरमाई और अल्लाह ने उनकी तोबा को कबूल फरमाया तो उन्होंने जो हजूर की खिदमत में सदका पेश किया शुक्राना के तौर पर तो हजूर ने पहले पहल उसको लेने से कहा कि ये ठीक नहीं है लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से आयात आई कि आप इनका सदका जो है इनकी तरफ से ये जो हदिया है ये जो सदका है शुक्रने के तौर पर अल्लाह के रस्ते में इसे कबूल कर लीजिए और इसका एक आयत का दूसरा मफहोम अमूमी मफहम है कि यहमूमी तौर पर कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने जो सदक़ात है उनकी पीछे जो हमत है और उनके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो बयान फरमाया है तो अल्लाह ने फरमाया कि खुज मिन अमवाल हम सदा ख़त आप इनसे इनके अम्वाल लीजिए सदक़े के तौर पर ये जो भी पेश करते हैं चाहे वो जक़वात है या सदक़त है तो ताहिर होम व तो जिम बिया इनके ज़रिए से आप इनका तस्किया कीजिए और इनकी पाकिजगी का अहतमाम कीजिए तो माल और ज़क़़़़़त जो है ये इंसान के माल की तस्हर का ज़रिया बनती है एक और हदीस में हज़ूर ने फरमाया कि ये इंसान के माल के अंदर जो थोड़ी बहुत कोई ऐसा अंसर शामिल हो जाता है जिसको वो गैर इरादी तौर पर नहीं समझ पाता या उसके माल के अंदर गैर इरादी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो हंड्रेड परसेंट ठीक नहीं है तो ये माल का जो सदक़ा है और ज़कवा़त है ये उसकी पाकिजगी का ज़रिया बनता है अव्वल तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्कुल हराल तरीके से लेकिन बस अवत ऐसा होता है कि इंसान गैर इरादी तौर पर उसको किसी जगह से कोई इनकम आती है कोई आमदनी आती है या किसी कोई ऐसा मामला करता है जिसके अगेंस्ट उसको प्रॉफिट होता है लेकिन उसके अंदर कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जो हंड्रेड परसेंट ठीक नहीं होते तो ये उसकी पाकिजगी का जरिया बनते हैं और दूसरा ये है दूसरा मफहम इसका यह है कि ये उन इंसान जो जो इंसान सदका करता है उसके नफूस के तजगिए का ज़रिया बनते हैं कि इंसान को माल से मोहब्बत है अल्लाह ने ख़ुद क़ुरान में फ़रमाया कि इंसान अपने माल से बड़ी मोहब्बत करता है और इंसान को अपने माल कमाने और इंसान को अपने माल जोड़ने की बड़ी ख्वाहिश होती है तो इंसान के दिल से माल की मोहब्बत को निकालने के लिए ये दिल पाकिज़ा होता है ये दिल पाक होता है जब आप अल्लाह के रस्से में माल खर्च करते हैं यानी माल की मोहब्बत आपके दिल से निकलती है आप माल को जरूरत के लिए खर्च करते हैं जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं जरूरत के लिए कमाते हैं कि मेरी जरूरत है इसलिए कमा रहा हूं आप माल की मोहब्बत में माल नहीं कमाएं बल्कि आप वो माल कमाएं कि जो आपकी जरूरत है और अगर उससे जायद अल्लाह आपको दे रहा है आपकी जॉब की नोयत ऐसी है आपके रिस्क के अंदर अल्लाह ने बरकत दे दी है आपके हिस्से में रिस्क ज्यादा लिखा है अल्लाह ने आपको मिलता ज्यादा है आपकी जरूरत से ज्यादा तो अब ये जो ज़रूरत से ज़्यादा है ये कहीं आपके दिल के अंदर आपकी नफ्स की गंदगी का जरिया ना बने कि आप इस माल से इसराफ करने करने लगें या बेहयाई के काम करने लगें तो आप अगर, अगर अल्लाह के रस्ते में देंगे तो आप दरअसल अपने दिल की पाकिजगी का अहतमाम करेंगे तो ये सदक़ात जो है ये इंसान के माल की तथीर या इंसान के अपने नफ्स और दोनों माने भी ठीक हैं कि इंसान के माल की भी तथीर और इंसान के नफ्स की भी तथहर इसके ज़रिए से होती है इसके बादल ते मस्जिद जरार का जिक्र किया वल्लिन मस्जिद वफ़रन व तफरी अब अने उन लोगों का जिक्र किया यहाँ पे मस्जिद जरार का जिक्र है और ये वह मस्जिद है कि जिसको मुनाफिकी ने तमीर किया और सात वाम जब तबू की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने हजूर से गुजारिश की कि आप इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाएं सात वाम ने और उनका जो मस्जिद बनाने का जो आ, उनकी जो उन्होंने ख्याल अपना पेश किया था जो मुसलमानों को गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की थी उन्होंने कहा कि हम ये मस्जिद इसलिए बना रहे हैं ताकि हम यहाँ पे मदीना से मदीना के अंदर हम थोड़ा मुसाफत पे रहते हैं मस्जिद नबी में नहीं आ सकते तो ये साइड के ऊपर मस्जिद जो है वो मस्जिद एक यानी मदीना के पहलू के अंदर एक मस्जिद है तो आप यहाँ पे जो करीब और करीब के जो मुसलमान हैं वहाँ पे नमाज पढ़ सकें तो हजूर अल्लाम ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आऊँगा लेकिन मैं जंग से वापस आ जाऊँ फिर तो जब आप वापस आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फ़रमाई और कहा कि ये जो मस्जिद ज़रार बनी है ये दरअसल मुसलमानों को ये ज़रा नुकसान यानी ज़रार वो चीज़ की जो नुकसान देने वाली है तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बतौर वही ये ख़बर कर दी कि इस मस्जिद के बनाने में मुसलमानों की सहूलत या मुसलमानों को कोई फ़ायदा पहुँचाना या मुसलमानों के लिए मस्जिद के अंदर नमाज का एहतमाम करना ये मकसूद नहीं है बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि ये दरारन ये नुकसान पहुँचाने के लिए व कुफरन और ये कुफ़र के ऊपर कुफ़र के अक़ायद के ऊपर मबनी ये मस्जिद बनी है व तफरीकम्बीम और ये मुसलमानों के दरमियान तफरीक डालने के लिए उनको ग्रोह में तकसीम करने के लिए उनको आपस में लड़ाने के लिए और मुसलमानों के दरमियान उनकी जो बुनियादी इतहाद है और इक्ाई है उसको ख़त्म करने के लिए बनी है वरसाद मनहारबाल्ला रसूलिन कब्ल और जल्ला और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनको पनाह पहुंचाने के लिए उनकी साथन के लिए और उनके साथ मावनत के लिए यह अड्डा कायम किया जा रहा है यह मस्जिद नहीं है इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया कि आप बिल्कुल उस मस्जिद में न जाएं ला तकुम फ़ी अबा आप कभी भी वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते ला मस्जिद उन उससे अला तकवामिनक फी जो मस्जिद तकवे की बुनियाद पर बनी है यानी मस्जिद नबवी और बादसरीन ने कहा कि मस्जिद कुबा इसलिए कि अव्वल मस्जिद जो बनी थी मदीना मनवरा के अंदर वह मस्जिद कबा थी तो अल्लाह ने फरमाया कि ज्यादा हक उन मसाजिद का है कि आप वहाँ पर नमाज़ अदा करें इसलिए कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं रिजाल यो हिब्बू नेंगे तताह वो ये पसंद करते हैं कि वो पाकिदगी का मामला इख्तियार करें वाहबुलम और अल्लाह पाकिज़ा रहने वालों को पसंद करता है तो अल्लाह ताला ने उस मस्जिद में दाखिले से मना किया और फिर बाद में ये मस्जिद जो है ये मुनहदिम कर दी गई गिरा दी गई तो मसाजिद जो होती हैं इनका काम होता है मुसलमानों में यूनिटी पैदा करना मुसलमानों में इतिहाद पैदा करना मुसलमानों को मस्जिद में बुला उनके खलूब और उनके अजहान का तस्किया करना लेकिन अगर किसी मस्जिद में मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के दरमियान जुदाई और तफरीक पैदा करने के लिए काम किया जाएगा तो फिर ये मस्जिदें ज़रार के दायरा कार के अंदर आती हैं अल्लाह ने कहा कि मस्जिद तखबे की बुनियाद पर बननी चाहिए अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने की बुनियाद पर बननी चाहिए लेकिन अगर मस्जिद मुसलमानों के दरमियान तफरीक के लिए बनाई जाए और मुसलमानों के खिलाफ फतवे देने के लिए और पूरी मुसलमान इजतमाहीत को गुमराह करार देने के लिए बनाई जाए और ऐसी मस्जिदें उस दौर में भी बनी थी आज भी बनती हैं आज भी ऐसी मस्जिदें बनती हैं जो बाकी सारी मुस्लिम उम्मत को गुमराह करार देती हैं और अपने आप को ठीक करार देती हैं सोचना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी मसाजिद बनाते हैं कि वो कौन सा दीन की खिदमत का, का काम कर रहे हैं जो मसालिक हैं फिकह की बुनियाद के ऊपर जो डिवेलप हुए हनफी है शाफ़ी है मालिकी है हम्बली है ये एक दीन की फहम के अंदर हर एक ही अपनी एक अप्रोच है जिसकी बुनियाद पर ये मसालिक बने हैं हर हर एक के अपने असूल हैं और ठीक है यानी कि कोई गलत है हर एक की जो मसल की बुनियाद है वो ठीक है हज़ूर अल साम की तरफ से जो अदीस है कुरान करीम की जो आयात है इसके फहम में मेरा किसी और आलिम से अख्तिलाफ़ हो सकता है और चार लोग हों तो चारों का अपना एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जैसा कि मैंने शुरा आराफ के आयात के आखिर में आयात में ये बात ये बात कही थी कि कुरान करीम की जो आयत है वैदा कुरियर फस्तम सितु अब इसकी बुनियाद पर तीन अलग फ़िकों के अंदर तीन अलग हुक्म है अब यह कुरान और हदीस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से है कि जब कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए तो खामोश हो जाओ अहनाफ ये कहते हैं कि जब कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए तो खामोश हो जाओ चाहे इमाम ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रहा है या खामोश आवाज़ से तिलावत कर रहा है खामोश आप खामोश रहेंगे शवाफ़ी ये कहते हैं कि हदीस के अंदर है कि, कि जिस आदमी ने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं हुई इसलिए कुरान करीम की इस आयत का मतलब यह है कि जब इमाम ऊंची आवाज़ से पढ़े तो खामोश रहो फिर इमाम वक्फा कर ले और आप अपनी अपनी यानी मुख्त अपनी अपनी तिलावत कर ले सूरह फातिहा की उसके बाद फिर जनरल तिलावत होगी यह दूसरा मफहू है उसका दोनों में तस्बीक करने की कोशिश की गई है और तीसरा मफहम यह है जो इमाम मालिक का है कि इमाम ऊंची आवाज़ से पढ़े जिसको बाद में अहनाफ के मुतान ने भी इख्तियार किया और यही बेहतर बात और अच्छी बात है कि इमाम ऊंची आवाज़ से तिलावत करे तो मुख्ती पीछे खामोश रहे उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और तिलावत के बाद इमाम को ब्रेक लेने की भी ज़रूरत नहीं है और जब इमाम खामोशी से नमाज पढ़ रहा हो यानी जोर और असर की नमाज हो तो फिर मुख्ती भी तिलावत करे और इमाम भी अपनी तिलावत करे अब देखिए कुरान करीम की एक आयत और हदीश, एक हदीस के मफहूम को तीन मुख्तलिफ ऐकहार ने मुख्तलिफ अंदाज में समझा है और कुरने करीम के और हदीस के हकाम की जो अंडरस्टैंडिंग है जो फीकी इख्तराफ है उसकी वजह यह है कि कुरने करीम की एक आयत को और हदीस को बाज़ जगह पर उसकी तदबीक करते हैं बाज जगह पे कुरान करीम की आयत को मुकदम समझते हैं और हदीस जो है उसकी वजाहत दूसरे अंदाज़ में की जाती है और बाद जगह पे करीम की एक आयत पर एक, एक वक्त में अमल होता है और एक हदीस पर दूसरे वक्त में अमल होता है तो ये एक मिसाल के जरिए मैंने आपको समझाया कि कैसे इन फ़िकी जो इख्तराफ़ हैं उनके अंदर ये एक मिसाल के जरिए मैंने आपको आसान अंदाज़ में समझाने की कोशिश की है यह गलत नहीं है लेकिन फ़िका हनफ़ी की मस्जिद होने का मतलब ये नहीं है कि फिर वह फ़िके शाफ़ी के लेताड़ना शुरू कर दे और उनके जो अकायद हैं या उनके जो जो असूल हैं उनका इब्तान शुरू कर दे हनफी मस्जिद होने का मतलब ये नहीं है कि वह अल हदीसों के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ फतवे देना शुरू कर दे और बरेलवी मस्जिद होने का मतलब ये नहीं है कि वो देवबंदियों के खिलाफ फतवे शुरू कर दे और बिल्कुल उनके मुकाबल के ऊपर मस्जिदें खड़ी करना शुरू कर दें हाँ मुसलमानों की पूरी इज्तमीत के अंदर अगर कोई एक ऐसी मस्जिद बनाता है कि जो बाकी सब का इनकार करता है बाकी सब को दायर इस्लाम से खारिज करता है उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाता है उसके बारे में तो वाज तौर पर अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया व तफरीक़म बलमीन और फिर एक इसके बाद जो अगली आयत अल्लाह ने फरमाई व इरसाद वरसादारब अल्लाह व रसूलिन कबल कि वो जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है जो दीन के दुश्मन है उनका अनाकार बनता हो उनका साथ देने के लिए उनका मुमिद और माविन बनने के लिए अगर किसी ऐसे एजेंडे के ऊपर कोई मस्जिद बनाता है या अपनी मस्जिद में उसका उस और बाज दफ़ा ये होता है कि इंसान ये समझ रहा होता है ये वो मस्जिद ये समझ रही होती है कि वो दीन की खिदमत कर रही है लेकिन दरअसल वो दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा होती है वो दुश्मन के एजेंडे को मजबूत करने और दुश्मन के एजेंडे की तइद के अंदर काम कर रही होती है और अपनी तरफ से समझ दिए कि वो दीन की खिदमत कर रही है तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बजाय ऐसी मस्जिद में खड़े होने की बजाय इसका मतलब यह है कि नब्बी अक्रम सेम के दौर में फितना फितना साजी के जहन के साथ वो मस्जिद मस्जिद जरार बनी थी तो क्या बाद में नहीं बन सकती बाद में भी बन सकती है इसलिए मस्जिद बनाते वक्त बुनियाद तखबा होनी चाहिए और जो लोग मस्ाजिद में जाते हैं वो तखबा मजबूत करने के लिए अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने के लिए और मुसलमानों के दरमियान इतहा और इतफाक़ के लिए उनको इस नीयत के साथ मस्जिद के अंदर जाना चाहिए अगर कोई मुसलमानों के दरम्या तफरीक और जुदाई पैदा करने के लिए मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ सफ़ारा करने के लिए और एक दूसरे के खिलाफ फतवाबाजी के लिए मसाजिद के अहतमाम करता है मंबर के इस्तेमाल करता है उसे अपने रवैये पर सोचना चाहिए इसके बाद आगे अल्लाह तहल ई ईमान की सफ़ात का ज़िक्र किया और बड़ी ही खूबसूरत मिसाल दी अल्लाह ने फरमायाशतरा अनफुस अहम व अम वह बीमन्न अल्लाह ने ख़रीद लिया है मोमिन से उनकी जान और उनकी माल को अल्लाह ने तजारत की है अहले ईमान के साथ तजारत की है तजारत क्या है कि आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं उसका मुआवजा उसको देते हैं तो अल्लाह ने अहले ईमान से कहा कि अपनी जान और अपने माल मेरे सपुर्द कर दो मेरे रस्से में जिस तरह मैं कहता हूँ क़ुरबान कर दो और इसके बदले में मुझसे जन्नत खरीद लो अब ये बहुत बेहतरीन और खूबसूरत सौदा है और इससे बेहतर सौदा हो नहीं सकता कि इंसान अपनी इस जान और माल के बदले जो अल्लाह ने दिया है अल्लाह की अता है मैंने खुद अपनी तरफ से अपनी जान अपने अंदर नहीं फूकी मैं खुद अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया और ना मैंने खुद अपने लिए कोई वक्त मुकर कर रखा है कि मैं साठ साल कहूँगा तो मरूंगा या नबे साल कहूँगा तो मरूंगा मेरी मौत किसी वक्त भी आ सकती है किसी जगह आ सकती है उम्र के किसी हिस्से में आ सकती है तो ये जान आई भी अल्लाह के हुक्म से है उसके इरादे और उसकी मंशा और उसकी इजाजत के बाद आई है और ये जान जाएगी वापस उसी के हुक्म से तो जो दी ही उसने है और फिर जो माल मैंने कमाया है जो माल मेरे पास है अगर मैं समझता हूं कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया है तो मुझसे ज्यादा मेहनत वाले दुनिया में बहुत से लोग मुझसे ज्यादा काबिल और मुझसे ज्यादा अक्लमंद और मेहनती और बासलाहियत लोग मौजूद हैं तो मुझसे ज्यादा उनके पास माल क्यों नहीं है ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने मेरे हिस्से में उनसे ज्यादा रिजक लिखा है तो जो माल भी उसका जो जान भी उसकी अगर वो ये कहता है कि मेरे साथ सौदा कर लो और जहाँ पे मैं कहता हूँ जिस अंदाज़ में मैं कहता हूँ इनको पेश कर दो तो फिर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर जन्नत दे दूंगा यानी जान हमारी होती और माल हमारा अपना होता और फिर अल्लाह हमसे ये कहता तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई तजारत का मामला इस अंदाज़ में हो रहा है कि कोई हम अल्लाह को चीज़ दे रहे हैं और अल्लाह उसके बदले में हमें चीज़ दे रहा है लेकिन अल्लाह की तजारत का अंदाज़ देखिए कि अल्लाह ताला वो चीज़ें जो उसने हमें अता की जान जो उसने दी माल जो उसने दिया और फिर हमें कहा कि तुमको मैंने इसका मालिक बनाया अब इनको मेरे बताए हुए तरीके पर खर्च कर दो तो उसके बदले में भी मैं रिवार्ड दूंगा वो ये भी कह सकता था कि मैं कुछ नहीं दूंगा वो ये भी कह सकता था कि मैंने जान दी है तो मेरे हुक्म पर लड़ो लेकिन उसने कितना बड़ा रिवार्ड दिया उसने कहा कि मैंने मोमिन से उनकी जानें और माले खरीद ली हैं और बदले में उनको जन्नत दे दी है इस सौदे के ऊपर कबूल इसको कबूल करता है राजी होता है और कहता है तो अल्लाह ने फरमाया अपनी जान और माल अल्लाह के रस्से में पेश करने का वादा करता है तो फिर कुछ अमाल होते हैं जो करता है क्या वह अमल है जो है, अपनी जान और माल के साथ और फिर वो दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला बास को शहादत का मर्तबा देते हैं वो मैदान जंग के अंदर शहीद होते हैं और बहुत से ऐसे हैं कि जो दूसरे कुफार को मारते हैं और जंग से जिंदा वापस आते हैं गाजी बनते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि मैदान जंग में जाओगे तो शहीद भी हो सकते हो ऐसा नहीं है कि बस जाओगे और तुम्हें शहादत नहीं मिलनी या तुम्हें मौत नहीं होनी बस तुमने दुश्मनों को मारना है नहीं किसी को भी शहादत मिल सकती है इसलिए इस तमन्ना और आर्जू के साथ जाओ अल्लाह अगर मैं शामिल हो रहा हूं तो मुझे शहादत की मौत दे इसलिए कि शहादत से अच्छी मौत तो कोई मौत है ही नहीं शहादत की मौत की तमन्ना क्या। और इसकी दुआ मांगा करते थे हमारे असलाफ कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा अल्लाह उमर जुखनी अहादत मुझे शहादत की मौत दे शहादत की जिंदगी और शहादत की मौत इसकी दुआ मांगनी चाहिए और फिर उसके बाद अल्लाह ने आगे नौ सिफ़ात का जिक्र फरमाया इन अहल ईमान की कि जो अल्लाह के साथ जन्नत का सौदा कर चुके हैं तो मैं और आप भी अगर अल्लाह के साथ जन्नत का सौदा करना चाहते हैं हमारे लिए ऑफ़र मौजूद है अल्लाह की तरफ से पेशकश मौजूद है अल्लाह ने तरीक़ा और सिफात बताई है अपने अंदर पैदा कर लो अल्लाह ने फरमाया अता इबून ये वो हैं जो तोबा करने वाले हैं ये पलटने वाले हैं तोबा पलटने को कहते हैं और पलटना इसका मतलब यह है कि जो इंसान से गलती हुई है उस गलती के ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगे और पलट आए अल्लाह की तरफ सिर्फ नदामत और शर्मिंदगी नहीं बल्कि वापसी के ज़रिए रुजू के ज़रिए इंसान अल्लाह को अल्लाह की रज़ा का अपने आप को मुस्तक बनाए फिर अल्लाह ने फरमायाबिदून ये आबिद है और अबद आबदू का एक मतलब होता है ग़ुलामी के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले ये अल्लाह की गुलामी में अपने आप को पेश कर चुके हैं यानी गुलाम का मतलब यह है कि फिर उसका मालिक जैसे उसको चलाता है वह वैसे चलता है उसका टाइम टेबल उसका मालिक उसको बना के देता है सुबह इतने बजे उठोगे दोपहर तो तक ये काम करने हैं शाम तक ये काम करने हैं और इस वक्त तुमने आराम करना है इस वक्त तुमने जागना है ये मालिक का पूरा जो मालिक जो है वो पूरा एक टाइम टेबल वो अपने गुलाम को बना के देता है तुम कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते तो अल्लाह ने हलाल और हराम की जो क्यूद रखी दिन के अवत्या में नमाज की जो तरतीब रखी ये अल्लाह की तरफ से अगर हम गुलामी में अपने आप को देना चाहें तो ये उस कॉन्सेप्ट के अंदर कि फिर जो अल्लाह ने कहा उसके आगे सर तसीम ख़म कर दो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हामिदून हामिदून जमाए हामिद की जिसका जमा इस जिसका माना है हमद बयान करने वाले कि वो अल्लाह की हमद बयान करने वाले होते हैं अल्लाह की तारीफ़ बयान करने वाले होते हैं वो जो हमने शूर फातह के शुरू में लफ् पढ़ा था अलहमद रबालमीन तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है तो ये जो अल्लाह के मानने वाले हैं ये बार बार अलहद ला कहते हैं ये अल्लाह का शुक्र अपनी ज़बान से अदा करते हैं और फिर असाय ख़ुन के दो मान मुफसरन ने बयान किए एक शाय का मतलब है हदीस की बुनियाद के ऊपर जहाद करने वाले इसी के हुजूर ने फरमाया था सियाहत उम्मती अल अलजहादी सभी लाला मेरी उम्मत की सियात जिहाद फ़ी सभी है और दूसरा माना इसका रोज़ा रखने वाले हैं बज लोग इससे ये सैरो सियाहत मुराद लेते हैं वो यहाँ पर मकसूद नहीं है बल्कि या तो जहाद फ़ी सभी करने वाले या रोज़ा रखने वाले और फिर अल्लाह ने फरमाए अर्राकि रुकू करने वाले असाजिदून सुजूद करने वाले सजदे की हालत में रहने वाले अल आमिरून बिल मारूफ नमाज की हालत के बाद फिर वो जब बाहर निकलते हैं माशरे के अंदर यानी अपनी पाकिजगी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसके बाद जब माशरे में निकलते हैं तो फिर वो खैर की तरफ भलाई की तरफ बुलाने वाले नेकी का हुक्म देने वाले व नाहून आनकर और वह बुराई से रोकने वाले होते हैं वल्हा फिजून अली हदूद और वल्ला की हदूद की हिफाजत करने वाले ये बहुत ही जाम लफ्ज़ है इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ़ हलाल तक अपने आप को महदूद रखते हैं आराम से अपने आप को बचाते हैं वो किसी ऐसे हुक्म पर अमल करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया और उस हुक्म से बचने की कोशिश करते हैं इन उस काम से जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है अल्लाह की जितनी भी हदूद हैं जो उसने मुकर कर दी हैं वो उसके अंदर रहते हैं और वो अल्लाह की हदूद से तजावज़ नहीं करते जिसे अल्लाह ने जायज़ कहा उसे इस्तेमाल करते हैं जिसे अल्लाह ने, अल्ला ने हराम कहा उससे अपने आप को बचाते हैं जहाँ पर अल्लाह कहता है कि जाओ वहाँ पर जाते हैं जहाँ से मना करता है वहाँ पर नहीं जाते तो वह अल्लाह की हदूद के अंदर रह कर जिंदगी बसर करते हैं मोमिन कभी भी अल्लाह की हद को करास नहीं करता अल्लाह की हदें बहुत वाजें हैं और अल्लाह ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर और रसूल सहादी के अंदर इन हदूद की वजाहत की है कि इंसान के लिए कौन सी चीज़ जायज़ है और कौन सी चीज़ जायज़ नहीं है एक मोमिन अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी कैसे बसर कर सकता है ये हदूद है इसके बाद फिर अल्लाह ताल ने तोबा के आखिर के अंदर एक बहुत ही अहम और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा इस उम्मत को दिया कि इंसान को दुनिया के अंदर अगर गम और परेशानियाँ आती हैं और कौन इंसान है कि जिसको गम और परेशानियाँ नहीं आती हमारे प्यारे आका हज़ूर अलसात सलाम को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सख्त मरहले आए बहुत ही सख्त किस्म की परेशानियाँ आपको देखनी पड़ी और अगर आप सीरत का मताल करें तो कदम क़दम के ऊपर मुश्किल हैं बल्कि जो आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आई इतनी सख्त आजमायशें कम ही अम्बिया के ऊपर आई हैं तो अल्लाह रब्ज़त ने उन परेशानियों के अंदर अहल ईमान को और ख़ुद हजूर आलात वसलाम को यह हुक्म दिया कि कौन सा कलेमात है कौन सा वजीफ़ा है कौन सा तरीक़ा है जो आपको परेशानियों और गमों से निजात दे सकता है जो आपको इन हालात के अंदर जब मुश्किल हालात हों आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रख सकता है वो कलेमात अल्लाह ने सिखाए हैं दुनिया के अंदर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों को उनकी दिमागी परेशानियों और उनकी फ़िक्रों का इलाज करने के लिए उनको उन उनके उनके इलाज का एहतम करते हैं और उस इलाज को वो मुख्तलफ नाम देते हैं उसके ऊपर पैसा भी कमाते हैं और ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों इसके अंदर जो है वो यानी इंसान अपनी जो जहनी इत्मीनान है और जहनी सुकून है इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता भी है परेशान भी रहता है तो अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने अपनी एक हदीस के अंदर अपने एक प्यारे सहाबी को ये बात बताई कि ये जो दुनिया के अंदर इंसानों की परेशानियाँ हैं अगर इंसान ये चाहता है कि इनसे अपने आप को बचा ले इनसे छुटकारा पा लें तो हज़रत अबूदरदार रजी अल्लाह तजूर के बहुत प्यारे सहाबी हैं उनको हजूर ने कहा कि अगर तुम सुबह के वक्त और शाम के वक्त सात सात दफ़ा ये कलमात अदा कर लो अल्लाह तुम्हें दुनिया की परेशानियों से निजात दे देंगे ये दुनिया की जो परेशानियाँ हैं औलाद की परेशानी आ जाती है घर के अंदर मियाँ बीवी की ना चाकी है वो परेशानी आ जाती है तिजारत बिज़नेस के अंदर कोई मुश्किल आ गई परेशानी आ जाती है इंसान की ये परेशानी ऐसी परेशानी की जो उस वक्त हर वक्त उसके जहन के अंदर घूमती रहती है और इंसान उस, उस परेशानी के अंदर हल्कान हुआ जाता है यानी उसका कोई और काम ही नहीं रहता वो बेचारा उस परेशानी में अपनी सेहत अपना माल अपनी सारी सलाहियतें खोना शुरू कर देता है कि वो परेशानी टेंशन उसके ऊपर सवार होती है और बाज़ लोग तो बेचारे अपना दिमागी तोज़न खो बैठते हैं तो इन हालात के अंदर बजाय कि इंसान स्ट्रेस में जाए बजाय कि इंसान जो है वो आहिस्ता आहस्ता डिप्रेशन के अंदर और जहनी बीमार हो तो ये इस वजीफ़े का अहमाम सही हदीस के मुताबिक जो लोग करते हैं अल्लाह ताली नेतमान कल्ब देते हैं ये जो दिल का इतमान है ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है और इस दिल के इतमान के लिए किसी के पास जाने किसी के पास बैठने और किसी और से कोई नुस्खा लेने की ज़रूरत नहीं है ख़ुद अल्लाह के रसूल ने नुस्खा दिया है और ठीक नुस्खा दिया है इसका मैं इहतमाम करना चाहिए हजूर ने फरमाया कि ये जो कले हैं सूरत तबा के आखिरी कलेमत यहाँ पे अल्लाह फरमाते हसब भी अल्लाह अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है ला अः ला उसके अलावा कोई अला नहीं है उसके अलावा कोई मालिक और बादशाह नहीं है अलई ही तोल तू मैंने उस पर तो्क्ल किया मैंने उस पर अहतम किया वह हुआ रबश लाजीम और वो रब्बे अरश अजीम है वो इस पूरी जहान का इस पूरी कायनात का रब है इसका पालने वाला है इसमें मौजूद हर एक एक चीज हर एक एक जर्रे को पालने वाला है यानी ये जो रब का लफ्ज़ है रब के लफ्ज़ के अंदर इतनी वसत है और इतनी इतना प्यार और इतनी अपनाइत है कि जब इंसान इसके मानी को पढ़ना शुरू करता है इसके गहराई के अंदर जाता है तो इंसान को अल्लाह के साथ मोहब्बत पैदा होना शुरू होती है वह रब इंसान बाकी चीज़ें छोड़ दे सिर्फ अपने वजूद को देख ले इस वजूद के अंदर जितने करोड़ों अरबों सेल्स हैं कि आज साइंस अभी तक उनको गिन नहीं सकी उनमें से हर सेल की हर जरूरत को अल्लाह ताला पूरा कर रहा है वो रब है रब का मतलब है पालने वाला पालन हार तो वो रब के जो अरश अजीम का मालिक है मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है मेरा उसके साथ मामला है मैंने उस पर ईमान लाया और उस पर तोल किया है वो मुझे बेसहारा कैसे छोड़ सकता है वो मुझे दुनिया वालों के हवाले कैसे कर सकता है मैंने उसके ऊपर तोल किया है और वही मेरे लिए काफ़ी है और उसके अलावा कोई इलाह नहीं है इन अल्फाज के मानी को इस अकीदे को अपनी जान बनाइए इसको अपने जहन के अंदर उसके रगोपय के अंदर इसको समा लीजिए और इसके विरद का अहतमाम कीजिए आप यकीन कीजिए कि अगर आप इसको इसके मफहूम के साथ अदा करते हैं बावजूद इसके कि आपके ऊपर माली मुश्किल आ जाएँ बावजूद इसके कि कारोबार के अंदर आपको वक्ती तौर पर नुकसान हो रहा हो लेकिन आपके दिल के अंदर परेशानी नहीं होगी आपको इतमान होगा आप अल्लाह की रजा पर राज़ी हो जाएंगे और फिर उसके बदले में अल्लाह वक्त के बाद उसका नतीजा और उसका रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू होगा तो इसलिए इन कलेमात के अहतमाम बहुत ज़रूरी है इसके बाद एक और अहम चीज़ जो सूरज तौबा के अंदर बयान हुई विक्र करके फिर हम सूरज यूनुस की तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताली ने इन आयात के अंदर अहल ईमान के जो तीन ग्रोह दो जो तबूक से रह जाने वाले तीन ग्रोह थे उनका जिक्र फरमाया एक मुनाफिक का एक वममिन के जिन्होंने सतून के साथ आपको बांध दिया था हुजूर के वापस आने पर और एक तीसरा ग्रोह के जो हजूर अत की खिदमत में पेश हुआ और उसने हजूर अहतम के सामने पेश होकर अपने जुर्म का अतराफ़ किया अपनी सुस्ती का और अपनी नााहली का और कमज़ोरी का अतराफ़ किया कोई बहाना नहीं किया उनका तस्करा है अल्लाह ताली ने कुर करीम की नायात में फ़रमाया वाल सलासत और वह तीन पीछे रह जाने वाले حتى ضاقت عليهم عليهم بما رحبت وضاقت وظنوا हत्यात من الله إلا वजनुअाम उन्होंने जब हज़ूर सातम के सामने आके अपनी अपनी अपने आप को पेश किया कि हमसे गलती हुई है तो अल्लाह के रसूल तीन साहबा जिनके बारे में हदीस की किताबों के अंदर उनके नाम मनकूल हैं काबिबिन मालिक मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया तो ये तीन मुखलिस थे जिन्होंने आके इतराफ़ी जुर्म किया तो हज़ूर सातम ने इनसे कहा कि तुम जिन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया है अब हमारा तुम्हारे साथ सोशल बाइकआउट है अब मुसलमानों की इजमाहीत को हुक्म दिया गया कि वो इनके साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे बातचीत नहीं करेंगे ये सिर्फ अपने घरों के अंदर अपने आप को महदूद कर लें अगर बाहर निकलना चाहें इजाज़त है लेकिन कोई इनसे मामला नहीं करेगा बातचीत नहीं करेगा हद तक ये सलाम करें तो जवाब भी नहीं दिया जाएगा ये हजूर आल सात सलाम की तरफ से एक सोशल जो बाइकआउट है इन साहबा के लिए कि जिनसे गलती हुई इनके नफोज की, की तथहर के लिए भी और मुसलमान इज्तिमाियत को अजमाईत के आदब सिखाने के लिए भी कि अगर किसी इज्तिमाियत के अंदर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसकी असलाह का तरीक़ार क्या है और फिर उस माशरे के हर फर्द को उनकी असलाह के अंदर उनका साथी बनना है अब काबि अपने मालिक का वाक़ जो हादीस की किताबों के अंदर मनकूल है उन्होंने अपनी रुदाक सुनाई है इन दिनों की जब वो तनहा हो गए थे जब वो जिनका उनका सोशल बैकआउट किया जा रहा था उनकी गलती की वजह से उनकी असलाह के लिए और वो इसके ऊपर राजी थे कि अल्लाह की तरफ से जो भी सजा और जो भी हुक्म होगा जो भी फैसला होगा उसको कबूल करेंगे तो हजूर आल सा दिन गुजरने के बाद हजूर ने कहा कि अब आप अपनी बीवियों से भी अपने आप को अलग कर लो यानी पहले घर के अंदर अपनी बीवी के साथ बातचीत करने उनके साथ रहने की इजाजत है बातचीत की इजाजत है उठने बैठने की इजाजत है लेकिन अब चालीस दिन के बाद कहा गया कि अब अपनी बीवियों के साथ भी बैक आर आप जो आजकल क्वारंटाइन के दिन है और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी जगह से सफ़र करके हैं उनसे कहा गया कि चौदह दिन आपने अपने घरों के अंदर रहना है और वैसे भी लोगों से कहा गया कि घरों के अंदर ज़्यादा रहें तो बावजूद इसके कि आज की के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जब आपके पास इंटरनेट है जब आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर आप जो है वो यानी दुनिया के साथ कनेक्ट है चौबीस घंटे लेकिन इस यानी इस क्वारंटाइन के टाइम के अंदर आपके लिए घर में रहना कितना मुश्किल हो गया है यानी हमारे लिए अब घर पर रहना बहुत कोफ्त होती है दिल करता है कि बाहर कोई निकले कोई एक्टिविटी हो कोई पाबंदी नहीं है हम अपने माँ बाप से अपने बहन भाइयों से अपने दोस्तों से अपने कोलीग से हर एक के साथ रबते में घरों के अंदर दफ्तर हमने बना लिए लेकिन उसके बावजूद इस ज़िंदगी के अंदर हमें तंगी महसूस हो रही है कि खुल के हम बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते पार्क्स में नहीं जा सकते घुल मिल नहीं सकते बाहर भी मिले तो एक मीटर के दो मीटर के फासले से आपने सलाम करना है और हती के मस्जिद में भी आ जाएँ तो आप

कज़न के पास गया और उसके अपने बाग से उसके बाग की तरफ उसकी जो बाउंड्री थी उस पर मैं खड़ा होकर उसको बुलाया तो उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की और मैं तंग आके मैंने उससे कहा कि क्या तुम नहीं समझते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ तो उसने आगे से कितना खूबसूरत जवाब दिया जो एक इज्तमाहीत का और एक इज्तमाहीत के अंदर जो नजम्त और डिसिप्लिन है उसके हवाले से इतना है मैं उसने कहा कि मुझे तुम्हारी ईमान पर शक नहीं है लेकिन तुमसे बात न करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हो सकती और एक बीवी जो किसी इंसान के निकाह के अंदर हो उसके साथ उसका मोहब्बत का प्यार का ताल्लुक़ हो उसके गम और उसकी हंसी खुशी की साथी हो उससे अलहदगी का हुक्म मिल जाए तो ये अल्लाह पर ईमान ही है जो उसको रोकता है वगरना अच्छा भला इंसान जो है वो कहता है लात मारो ऐसे दीन को नवजुबिल्ला ये कैसा फ़ैसला है मैं नहीं मानता इसको शैतान आके वसुस से डालता है और काबिल इब्ने मालिक कहते हैं कि शैतान ने मुझे वर्गलाने की कोशिश की बस यानी बार बार उसने मुझे गलत रस्ते पर ले जाने की और मेरे जहन के अंदर बड़े फितने उसने पैदा करने की कोशिश की लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे साबित क़दी दी तो इंसान अगर शैतान की तरफ से वसव आए गलत ख्याल आए उसका मुकाबला कर सकता है अगर उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और वह अल्लाह की याद में रहने वाला हो तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस वाक़े को जिक्र करके और इन तीन सहाबा का खसूसी तौर पर जिक्र करके मुसलमान इज्तमीय को डिसप्लिन और नजमो जब के हवाले से बहुत अहम हदायत दी है कि जब एक चीज़ के बारे में एक लीडर एक अमीर एक कायद फैसला कर ले तो फिर पूरी इज्तिमात को उसके ऊपर कारबंद होना और उसके ऊपर अमल करना है और इसके अंदर असलाह मसूद है किसी को सजा देना और किसी की तनखीस या किसी की इज़्ज़त नस्व पर हमला ये मकसूद नहीं है बल्कि एक डिसप्लिन को पैदा करना और एक नजमो जब्त को पैदा करना यह मकसूद है अल्लाह ताली ने पचासवें दिन फिर इनकी माफ़ी का ऐलान किया ये कि आयत नाजिल हुई और इन आयत को सुनाने वाला जो सहाबी सबक अपने मालिक के पास गया तो इन्होंने खुशी से अपना कुर्ता उतार के उसको दे दिया अपनी कमीज़ उतार के उसको दे दी कि मेरे पास इस वक्त यही है यही मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ इससे एक और चीज़ जो सीखने को मिलती है कि खुशी की खबर लाने वाला जो भी हो उसको कुछ ना कुछ हदिए के तौर पर देना ये सहाबा की सुन्नत थी तो ये कि आप अपनी खुशी में दूसरे को शरीक करते हैं तो ख़ुशियों में भी अपने अपनी खुशियों के हालात में बजाय अपने आप को खुशियों के अंदर बंद कर लें और दूसरों को उससे महरूम करें ये नहीं बल्कि अपनी खुशियों में भी दूसरों को शरीक करें तो अल्लाह ताला ने उनकी तोबा को कबूल फरमाया और फिर से इन साहबा की ज़िंदगी के अंदर मामूल के मुताबिक जो लाइफ है वो शुरू हुई इसके बाद फिर आगे सूर्यस है सूर्यस में अल्लाह तहम तीन मजामी का जिक्र फरमाया है ये मक्की सूरत है ग्यारह से तेरह नब्बे के दरमियान नाजिल हुई है और इस सूरत में बुनियादी तौर पर वैसे जितनी भी मक्की सूरतें हैं उनमें उनमूमी तौर पर जो तीन अहम मजामी हैं जिनको अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं और बार बार, बार बयान फरमाते हैं वो मुनकरीन तोहैद तोहैद का इनकार करने वाले तोहैद रिसालत का इनकार करने वाले और आख़रत का इनकार करने वाले इनके इतराज़ात और उनके जवाब अल्लाह ताला ने दिए हैं अल्लाह की वहदानियत के बारे में अल्लाह के वजूद के बारे में जिन लोगों को शगोक व शबहत थे या हैं उनको अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर कुरान करीम की इन आयात यूनुस की आयात में मुख्तलिफ अंदाज़ में अल्लाह ने अपना तारफ़ करवाया है और फिर अल्लाह ने रिसालत हज़ूर आल सात और आप पर नाजिल होने वाली किताब कुर पाक उसका तारफ़ और उस हवाले से चंद अहम बातें इस आयत के अंदर की हैं और फिर तीसरा कि दुनिया की ज़िंदगी और आखरत की ज़िंदगी जो है इन दोनों का इनकी हकीकत और आखरत की ज़िंदगी का जो वजूद है उसके ऊपर अल्लाह ने अखली दलाल के जरिए इंसान को समझाने की कोशिश की है तो सबसे पहले वो आयात की जिनमें अल्लाह ने इस सूरत के अंदर तोहिद के हवाले से अल्लाह के तारफ़ के हवाले से अल्लाह के वजूद के हवाले से आयात अरसात फरमाई तो शुरू ही के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि इन न रब्ल ख़ समावत फीसदत्याम सवाश अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हारा परवर दिगार है तुम्हारा पालने वाला है उसने पैदा किया आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज़ को फीसदत एयाम छः दिनों में सवा आल आरश फिर अल्लाह अर्श के ऊपर मुस्तवी हो गया अल्लाह अर्श पर बरा जमान हो गया युदबिर और इस ज़मीन और कायनात को पैदा करने के बाद इस ज़मीन और आसमान के दरमान सारी चीज़ों को पैदा करने के बाद सारी गलेक्सीज़ को पैदा करने के बाद इस कायनात के हर जर्रे को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला इसकी तदबीर कर रहा है युदबिर अब खलाका वहां पर माजी का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया और युदबिर में अल्लाह ने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है तो खल तख्लीक जो है ये पहला काम था जो अल्लाह ने की हो चुकी है और उसके बाद अब अल्लाह ताला तदबीर कर रहा है इसकी निगरानी कर रहा है ये मामला अल्लाह की निगरानी के अंदर चल रहे हैं तो अल्लाह वो है जो इस कायना को पैदा करने वाला भी है और फिर इस कायनात को चलाने वाला भी है इसके ज़रिए दरअसल उन लोगों के अकीदे की असलाह है जो ये समझते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई है तो तखनीक एक मनसूबे के तहत हुई है एक प्लान के तहत हुई है एक मुकर मुदत तक के लिए हुई है किसी ने की है कोई इसके पीछे कारफरमा है कोई इसके पीछे इसका इंतज़ाम चलाने वाला है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और अकीदे की असलाह फरमाई माम शफ़ी अम्बाद इज्नि ही तुम ये समझते हो कि जिनकी तुम पूजा करते हो जिनको तुम अपना बड़ा समझते हो ये तुम्हारी सिफारिश कर सकेंगे चाहे वो बुद्ध हैं चाहे वो इंस हैं या वो जिन हैं जो भी हैं अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई भी उसके सामने बोल नहीं सकता और अल्लाह के सामने कोई गलत सिफारिश भी नहीं कर सकता जिनको अल्लाह सिफारिश की इजाज़त देंगे हजूर आल वो गलत आदमी की सिफारिश नहीं करेंगे और अगर हुजूर के इलम में नहीं है और हुजूर सिफारिश करेंगे तो हुजूर को बताया जाएगा कि आप इसके हक में सिफारिश नहीं कर सकते अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारा रब है ये तुम्हारा पालनहार है फाहबदू बस इसकी इबादत करो इसकी बंदगी करो अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाओ अल्लाह ने पहली शुरू की आयात के अंदर इंसानों के सामने अपना तारुफ पेश किया और उन्हें फिर तोहिद की दावत दी इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है यबदाखल़ कि जिसने खल़ को या तख्लीक को उसको शुरू से उसको शुरू किया यानी इसके अंदर ये जो बदात का माना है कि ये चीज़ पहले से मौजूद नहीं थी कोई एक मॉडल मौजूद नहीं था कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं थी कि उसके ऊपर रिप्रोड्यूस किया गया हो उस मिसाल को देख कर कोई चीज़ जो है वो बनाई गई हो नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया ये इनोवेशन है इससे पहले कोई ऐसा मॉडल नहीं था कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अल्लाह ने यह मनसूबा और ये मॉडल ख़ुद तख्लीक किया है किसी चीज़ को देख कर नहीं बनाया और ना ही इससे पहले कोई चीज़ मौजूद थी इन नब्दा खल्क बेशक वो खल की इब्तदा करने वाला कि बग़ैर इसके कि उसके सामने कोई मॉडल पहले से पड़ा हो कोई मिसाल पड़ी हो कोई उसको टीच करने वाला बताने वाला हो नहीं बल्कि अल्लाह ही वह ज़ात है जिसने खल की इब्ता की सुबं युद हो फिर ही वह ज़ात है जिसको लौटाएगा इसको पलटाएगा अल्लाह ताली कायनात की इब्त करने वाला और इसका इख्तिताम भी अल्लाह ही करेगा अल्लाह के लिए बात कोई मुश्किल नहीं है और इंसानों को ये बात समझाई गई है कि अगर अल्लाह पहले बग़ैर किसी मॉडल और मिसाल और एग्जाम्पल की एक चीज़ बना सकता है तो अल्लाह उसको ख़त्म भी कर सकता है और ख़त्म करने के बाद अल्लाह फिर इंसानों को उठा भी सकता है उसके लिए मुश्किल नहीं है फिर अल्लाह ने एक और अहम आयत और अपना एक तारुफ एक और अंदाज़ में फरमाया कि वही वो जात है जिसने सूरज को रोशन बनाया है ये रोशनी का काम करता है ये दुनिया के अंदर दिन के औकात में इतना बड़ा बल बल्ला ने लगाया है कि दुनिया में किसी को दिन के वक्त किसी किस्म की रोशनी की जरूरत नहीं है अल्लाह ने यह रोशनी कुदरती तौर पर यह बल्ब का एहतमाम कर रखा है और सिर्फ यह रोशनी नहीं देता बल्कि इंसान की जो गज़ा है उसका जो फल तैयार होना है उसके अंदर इस सूरज की तपिश का बहुत बड़ा अमल दखल है तो अल्लाह ने इस सूरज को तुम्हारे लिए रोशन बनाया और फिर अल्लाह ने फरमाया वल नूरन और अल्लाह ने चांद को रोशन बनाया है इस चांद को अल्लाह ने रोशनी दी है यह नूर रखता है आददस वाल ये बहुत अहम बात है जो की है जो की कि अल्लाह ने इस चांद की जो तख्लीक का मकसद बयान फरमाया वो ये कि इसके जरिए से ये जो लाम शुरू में आ जाता है ना ली लाम के नीचे जेर इसका मतलब होता है कि ये काम इसलिए हुआ है इसका मकसद ये था तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने चांद की मनाजिल तय कर दी है इसलिए कि तुम मालूम कर सको महीनों और दिनों का हिसाब अल्लाह ने दिनों और महीनों की हिसाब के लिए चांद की मनाजिल तय कर दी हैं इसलिए हमारा जो महीना होता है इस महीने का जो इसकी जो यानी इसका जो हिसाब है वो चांद की तारीखों के हिसाब से है अल्लाह ने इसकी तरतीब ऐसे रखी है कि शुरू में चौदह दिन यानी यकम से चौदह और चौदह से अट्ठाईस चौदह में टॉप के ऊपर ये चांद मुकम्मल होता है इसकी जो मंजिलें हैं तो ये जब अपनी मंजिलें तय करता है जब चौदहवीं तारीख को पहुंचता है अपनी चौदह दिन को तो ये मुकम्मल हो जाता है फिर चौदह से अट्ठाइस तक आहिस्ता आहिस्त कम होना शुरू होता है और अट्ठाईस वाले दिन बिल्कुल ये बारीक हो जाता है उनतीस और तीस को ये नज़र ना आने के बराबर होता है और जब यह नया नज़र आना शुरू होता है तो वह हिलाल होता है और जिस दिन नज़र आता है वह पहली तारीख होती है तो ये महीना चांद का महीना या उनतीस का होता है या तीस का होता है इसमें कोई लूनर जो है ना यानी अट्ठाईस वाला साल नहीं आता ना कोई अट्ठाईस का महीना इसके अंदर आता है तो अल्लाह ताला ने चांद को कहा कि ये तुम्हारे सालों की और महीनों की तयन का और हिसाब का आसान तरीका अल्लाह ने मुकर्र किया है इसका मतलब ये है कि चांद की तारीख जो है वो उनतीस या तीस ये अल्लाह की तरफ से एक तयशुदा है हाँ अल्लाह ने जो तुम्हें एस्ट्रानोमी का इलम दिया है उसके ज़रिए से तुम मजीद तहकीक करके ये मालूम कर सकते हो कि चाँद इस महीने कितने दिन का होगा और दुनिया के किस हिस्से में आज होने की वजह से आपके लिए आसानी होगी है कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि अब किस दिन जो है वो किस महीने कितने दिन का चांद होगा इस महीने उनतीस का चांद है या तीस का चांद है ये आप एस्ट्रोनॉमी की मदद से देख सकते हैं और जिनके पास एस्ट्रोनॉमी का इल्म नहीं है वो अपनी आंख से फिर देखते हैं कि अब उनतीस के बाद चांद नजर आएगा या तीस के बाद चांद नजर आएगा और हुजूर आल सात के दौर के अंदर क्योंकि ये ये जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं थी तो हज़ू सालम ने नेचुरल तरीक़े से यानी आँख को देखने आँख के देखना जो है इसको मैार मुर किया और इसके ज़रिए से आज हमारे यहाँ ये जो चाँद के ऐलान के हवाले से इख्तलाफ है कि जब रमज़ान के चांद की तारीख़ का ऐलान करना हो ईद का ऐलान करना हो हज का ऐलान करना हो तो ये जो दो तारीखें या तीन तारीखें आ जाती हैं इसकी वजह क्या है तो वजह यह है कि बाज़ ममालिकर बाज़ कमेटीज़ जो हैं वो चांद की रोयत अपनी आँख से चांद को देख कर ऐलान करती हैं और दुनिया के बाद ममालिक है जिस तरह के तुर्की का अलमान कैलेंडर जो है बहुत मशहूर है कि जिन्होंने चांद की रफ्तार का हिसाब करके एस्ट्रोनॉमी के इल्म के ज़रिए पहले से उसका एक आ, कैलेंडर अनाउंस किया हुआ है तो वो उसके मुताबिक ऐलान करते हैं और अल्लाह ने जिनसान को इल्म दिया साइंस का इलम दिया एस्ट्रोनोमी का इलम दिया फल्कियात का इलम दिया जिसके मोजिदरबानी मुसलमान हैं तो वो हिसाब जो है वो तजर्बे से पता चलता है कि वो हिसाब ठीक है अब उसके बाद दूसरा मरहला ये आता है कि आप उस चांद को कि जो दुनिया में किसी जगह पैदा हो चुका है और नजर आ रहा है आप अपने इलाके के लिए भी उसको स्टैंडर्ड मानते हैं या नहीं इसको इख्लाफ मताले या इतहादे मताले कहते हैं कि दुनिया में किसी जगह चांद नजर आ गया है अमरीका में नजर आया अफ्रीका में नजर आया एशिया में नजर आया है तो अब वह जो चांद दुनिया के उफक पर नया पैदा हो चुका है हिलल आ चुका किसी भी जगह दुनिया के किसी भी खिते में जजीरे में आया नजर साइंस आपको बता रही कि वहाँ पे आज चांद आँख से देखने के इम्कान मौजूद है या चांद की पैदाइश हो चुकी है ये एक अलग बहस है कि चांद की पैदाइश और चांद की रोयत में वक्त चाहिए होता है चांद पैदा होता है और उसकी पैदाइश के बाद कुछ घंटे उसको दरकार होते हैं कि वो इंसानी आँख उसको देख सके और जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा उतना ज़्यादा उसकी रोयत का इम्कान ज़्यादा होता जाएगा तो अब चाँद पीछे मौजूद है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते जिस तरह के आज अल्ट्रासाउंड की मदद से जो माँ के पेट के अंदर बच्चा है उसकी हरक़त उसकी सकनात उसके बारे में मशीन आपको बता रही है पहले दाइयाँ होती थी जो हाथ लगा के अपने इल की बुनियाद पर तजर्बे की बुनियाद पर बताती थी अंदर की कैफियत क्या है लेकिन आप आज मशीन के ज़रिए जिस तरह टी वी पर कोई चीज़ देखते हैं आप वैसे कंप्यूटर पर अपने बच्चे की हरकत देखते हैं तो इस मशीन के ज़रिए से टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चांद जो आँख से नजर नहीं आ रहा साइंस आपको बता रही है कि पैदा हो चुका है और इतने घंटे का हो चुका है और इस जगह पर दुनिया में नज़र आ रहा है तो ये बहरहाल दो जो इख्लाफी रस्ते हैं चांद के ऐलान के अलग अलग रस्ते हैं उस हवाले से ये बात इस की तफसीर के अंदर आई तो अल्लाह ने चांद इसलिए उसकी मनाजिल तय की कि तुम उसके ज़रिए से हिसाब लगा सको कि तुम्हारे महीने और साल कितने दिन के होंगे और फिर अल्लाह ताला ने ये हम सब को ये बात बताई कि सूर्य तोबा के अंदर ये बात गुज़र चुकी है अल्लाह ने साल के महीने बारह रखे हैं इन या याद अल्लाह अशर शहरा महीने बारह हैं और ये अल्लाह के यहाँ पहले से लिखे हुए हैं यानी नहीं कि इंसानों ने खुद अपनी तरफ से बारह महीने हो। बनाए हो अल्लाह ने ये रूटीन ऐसी बनाई हैं सूरज और चांद की कि हर साल जून उसकी एक तरतीब है वह जून का महीना एक ही सिफात के साथ आता है जुलाई के महीने की अपनी सिफात है जनवरी दिसंबर ऐसा नहीं हो सकता कि इस साल के दिसंबर जून बन जाए और जून जो है वो जनवरी बन जाए ऐसा नहीं होगा बल्कि जो एक एक उसका एक सिर्फ एक तरीकाकार उसके मौसम की उसके सूरज की जो लेंथ है उन दिनों में ये सारी चीज़ें अल्लाह ने तय कर रखी हैं और ये इनका एक मदार अल्लाह ने तय कर रखा है ये उसमें ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं होती वो अपने रफ्तार से अपने हिसाब से चल रही हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात है जो चला रही है अगर किसी इंसान को ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ दी जाए कि तुमने एक साल के लिए इतने बज के इतने सेकंड के ऊपर इस चीज़ की अनाउंसमेंट करनी है तो वो बंदा एक साल मेरा ख़्याल है एक महीना या एक हफ्ते की ड्यूटी भी ब मुश्किल कर सकेगा से सेकंड्स का फ़र्क आ जाएगा और अल्लाह जो कितने सैकड़ों सालों से हज़ारों सालों से लाखों सालों से इसका इंतज़ाम किए हुए है उसके हिसाब के अंदर कभी कमी नहीं आती बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ जो है वो गिनी हुई और अपने वक्त के ऊपर ज़ाहिर हो रही है ये अल्लाह तुम्हारा रब है फिर अल्लाह ने फरमाया हु नदी यु सैर कुम्फिल बर्री वल बहर ये अल्लाह है तुम्हें लेके चलता है फ़जाओं के अंदर भी हवाओं के अंदर भी समंदर के अंदर भी और खुशकी के रस्तों के ऊपर भी अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हारे लिए इन इस सफ़र का एहतमाम करती है अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया उस इल्म की बुनियाद के ऊपर तुमने ऐसी चीज़ें ईजाद की तुमने ऐसी चीज़ें बनाई कि वो तुम्हारे लिए सफर करना मुमकिन हो और अगर तुम समझ दो कि तुम अल्लाह की मर्जी और उसकी मंशा और उसकी ताकत से बाहर निकल कर कोई काम कर सकते हो तो फिर जरा निकल के दिखाओ कि तुम अल्लाह की इजाज़त के बगैर उसकी इजन के बगैर कोई काम कर सको नहीं कर सकते ये अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ये सहलत रखी है फिर अल्लाह ने फरमाया हुई जालई लली तस्कुन फ़ी ही वन नहारा मुबसरा यह सूर्यस के नसफ दरमियान में याद आती है अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया कि तुम सुकून करो तुम आराम करो वन नहारा मुबसरा और अल्लाह ने दिन को रोशन बनाया ताकि तुम इसके अंदर माश का और कमाने का अहतमाम करो तो रात का असल फंक्शन ये कि इंसान उसमें आराम करे और दिन का असल काम ये कि इंसान उसमें अमल करे काम करे और हमारे यहाँ अब ये बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है कि हम रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं ख़ास तौर पे इन इन दिनों के अंदर भी जबकि बाहर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है बहुत से लोगों का मामूल ये है रात जाग के गुजारेंगे और फजूल वक्त ज़ाया करेंगे सारी रात और सुबह फजर की नमाज से पहले सो जाएंगे ना फजर पढ़ेंगे और ना इबादात केहतमाम करेंगे माशाअल्ला तो अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई और दिन जागने के लिए बनाया उसके बाद अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है वही हम ससुर फला काशी फला हु हु। अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता अगर तुम समझते हो कि इस तकलीफ को अल्लाह के अलावा भी और दूर कर देगा तुम्हारी गलत है जरिया और सबब कोई बनता है लेकिन दूर करने वाला असल में अल्लाह की ज़ात होती है वही और भी खैरिन फला रात दली फजली और अगर तुम्हें कोई खैर पहुँचाए अल्लाह ताला की तरफ से भलाई पहुँच तो इसे कोई दूर नहीं कर सकता यानी नुकसान अगर पहुँचता है वो अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता तुम्हें खैर और भलाई पहुँचती है वो तुमसे रोकने वाला कोई नहीं है अल्लाह ताला इन चीज़ों के ऊपर कादर है इसके बाद अल्लाह रिसालत और कुरान किताब जिसके अंदर नबी का जिक्र भी आता है क्योंकि वो पैगाम लाने वाला होता है उस हवाले से चंद आयात फरमाई तो पहली आयत यूनुस की आयात है इस किताब के अंदर जो आयात है इनके अंदर हिकमत है इनके अंदर इल्म है, इनके अंदर इल के मोती अल्लाह ने रखे हैं मोती अल्लाह ने रखे इसकी हर आयत के अंदर ूम की गहराई है फनून की गहराई है अपने आप को कुरान के साथ वाबस्ता करो फिर कुरान तुम्हारे ऊपर अपने आप को खोलना शुरू करेगा और यह एक बड़ा अजीब मोजाती एक मामला है कि जितना इंसान कुरान को पढ़ता है बार बार पढ़ता है उसके सामने नए नए पहलू नजर आना शुरू होते हैं कुरान का बड़े से बड़ा आलिम भी आज तक ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि मैंने कुरान के ओलूम के ऊपर दस्तरस और कुमांड हासिल कर ली है जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना आप इसकी गहराई में और नई से नई चीज़ें आपके सामने आती हैं फिर अल्लाह ने फरमाया के वही आया तुनाब इनसे जब इनके सामने आयात तिरवत की जाती हैं कॉल अलाय अर्जुना वो लोग हमारी मुलाकात का यकीन नहीं रखते आखरत का यकीन नहीं रखते वो कहते हैं ए तिब कुरान इन गैर हाजा बददिल ये जो तुम आयात पढ़ के सुना रहे हो इसके अलावा किसी और आया कोई और आयत लिया हो यानी ये, ये आयात जो तुमने पढ़ के सुनाई है ये आयत जो अल्लाह के कलाम में नाजिल हुई है इनके अलावा कोई और लिया हो या इनको तब्दील कर लो क्यों कि इनके अंदर जो बातें तुम हमें सुना रहे हो बड़ी सख्त बातें हैं इसके अंदर तुम जो अल्लाह की पकड़ की बात करते हो डर आता है सुन के क्या इनको बदल नहीं सकते कोई थोड़ी सी नरम किस्म की आयतें ले आओ जहाद के बारे में जब आयतें आती हैं अल्लाह कताल करने का हुक्म देता है अपनी जान जान आफरी सपुर्द करने का हुक्म देता है बड़ी सख्त आयत है किसका दिल करता है मैदान जहाद में पहुंच के अपनी जान कुर्बान कर दे तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कहते हैं कि इसको तब्दील कर दो ज़रा कोई नरम आयत ले जैसे हमारे यहाँ भी आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि जी मौलवी साहब बड़ी सख्त गाल करते हैं भाई सख्त बात मौलवी नहीं करता मौलवी तो सख्त बात जो अल्लाह ने कुरान में कही जो आयात भेजी वो पढ़ के सुनाता है और यकीन करें मौलवी इतना नहीं डराता मौलवी खुद बताते हुए डर जाता है वगरना अगर इंसान खुद पढ़े तो काँप जाए उन सख्तियों को देख कर जो होंगी कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं काँप जाए इंसान इसलिए अल्लाह ने जब कुरान में ये कहा ना कि मेरी पैरवी करो और मेरे अजाब से डरो मैं बख्शने में भी मेहरबान हूँ मैं माफ़ करता हूँ मैं माफ़ी को पसंद करता हूँ माफ़ी मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखी है कोई मांगे तो सही मैं माफ़ करने के लिए तैयार बैठा हूँ और मैंने हर साल रमज़ान बनाया ही इसलिए है कि इसमें बंदे आए मुझसे माफ़ी मांगे और ठीक और अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी बसर करने का वादा करें मैं हर साल रमज़ान भेजता हूँ और कितनों को मैं रमज़ान में माफ़ी देता हूँ जहनम से खलासी देता हूँ मैं अगर रहीम हूं करीम हूं मेहरबान न हूं तो मैं ये मेहरबानियाँ क्यों करूं और माफ़ी माफियां क्यों दूँ लेकिन अल्लाह <शारा> ने फ़रमाया कि मेरे बंदों को बता दो नब्बे इबादी अन्नी अन्य अनगफ़ूर रहीम मेरे बंदों को बता दो कि मैं रहम के मामले में माफ, माफ, माफी करने के मामले में बहुत ही ज़्यादा खुले दिल का मामला करता हूं बहुत माफ़ी देता हूं गफूर और रहीम हूं लेकिन मेरे बंदों को ये भी बता दो वह अन आज़ाबी हुल आजाबलिनी कि मेरा अजाब मेरी पकड़ वो भी बहुत सख्त है और अल्लाह पकड़ता उनको है कि जो अल्लाह की नहीं मानते जो अल्लाह से बगावत करते हैं अल्लाह का इनकार करते हैं या अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह की हदों को फलांग जाते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से जो कलाम है हुजूर ने फरमाया मैं इसमें तब्दीली नहीं कर सकता मुझे इसका इख्तियार नहीं है तिलकाई नफ्सी मैं तो मेरी मजाल ही नहीं है मैं इसमें किसी हरफ की तब्दीली कर सकूं अपनी तरफ से कोई बात पेश कर सकूं ये जो कलाम आया उसमें कमी कर सकूं इन तब मू हालाई मैं तो उसकी पैरवी करता हूं जो मुझ पर भेजा जाता है इन्नी अ तो इनास आजाब यूमिन आजीम और उस बड़े दिन के अजाब से क्यामत की पकड़ से तो मैं भी पनाह मांगता हूँ अगर मैं ये मामला करूँ ये ख्यामत करूँ कि अल्लाह के बताई हुई आयात या उसकी भेजी हुई आयात में कमी बेशी कर दूं उनको तब्दील कर दूं तो फिर अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचा सकता है इसके बाद फिर अल्लाह ने फ़रमाया व माकान हाज़ल कुरआन वफ़तरा वलाकिन तस्दीक अल्ली बी नदई व तफस अल्किताबी लारई बफी मबिलमी ये किताब अल्लाह के अलावा तो कोई इसको बना नहीं सकता कोई इस ये कलाम अल्लाह के अलावा कोई और नहीं बना सकता और ये तस्दीक करने वाला है उन सब किताबों की जो इससे पहले आई हैं और इसमें किसी किस्म का शक नहीं है किसी किस्म की गलती नहीं है इसमें रियलिटी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है यूनिवर्सल ट्रुथ्स इसके अंदर बयान हुए हैं इसके अंदर हकीकतें बयान हुई इस दुनिया की हकीकत भी और अगले जहान की हकीकत भी इस किताब में बयान हुई है फिर इसके बाद बहुत ही खूबसूरत आयात है यूनुस की कुरान करीम के हवाले से जहाँ पर है फरमाते हैं या याद जात रब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मोहजत यानी नसीहत या याद दहानी तज़कीर वो आ चुकी है व शिफा उन और अल्लाह ने वो कलाम भेजा कि जो दिल की बीमारियों का सीने की बीमारियों का इलाज है ये दिल की जो बीमारियाँ हैं ये अल्लाह ने कुरान करीम में उनका इलाज रखा यानी कुरान की तिलावत से इंसान की जो अखलाक़ी बीमारियाँ आप कह लीजिए फ़िक्री गलतियाँ कह लीजिए अकायद की गलतियाँ कह लीजिए उन सब की असलाह होती है और यहाँ पर एक और बात भी समझ लीजिए बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हम रूहानी इलाज करते हैं या रूहानी मालिज हैं तो रूह बीमार नहीं होती इंसान की फ़िक्र परा गंदा हो जाती है इंसान का दिल बीमार हो जाता है इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पे फ़रमाया कि व शिफ़ा उन लिमाफ सदूर अल्लाह सीने या दिल की बीमारियों का इलाज इस कुरान में रखा है आप कुरान पढ़िए आपकी फ़िक्र पाकिज़ा होना शुरू हो जाएगी आपका अल्लाह पर ईमान वो साफ़ सुथरा और उजरा और खरा होना शुरू हो जाएगा आपकी हजूर आल सात वाम के साथ मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी आपका आखरत के ऊपर ईमान वाजह भी होगा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और क्या कम क्या करना है क्या नहीं करना ये वाजह बातें आपको अल्लाह का कराम बताएगा फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब जो तुम्हारे पास भेजी गई है हदन हिदायत की किताब है इंसान को रास्ता बताती है रस्ता दिखाती है और रास्ता कौन सा सिरात मस्तकीम जो सीधा अल्लाह की जन्नत की तरफ लेके जाने वाला और ये किताब अल्लाह ने रहमत बना के भेजी है इस किताब को अल्लाह ने जहमत नहीं बनाया इस किताब के अहकाम बतौर रहमत अल्लाह ने भेजे हैं कुल बी व बिरहमती कह दीजिए अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के साथ खुश हो जाओ और दरअसल यही चीज़ है जिसपे अहले ईमान को खुश होना चाहिए फिर इसके बाद आगे अल्लाह ने आखिर में आयत शाद फरमाई कुल याकुमुल तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका फमन फायतदी नफसी इस किताब को अल्लाह ने हिदायत कहा जो इसकी मान लेगा वही हिदायत याफ्ता है अमन दल्लफा नमायद दिल्ल आलिया और जो इस किताब के नाजिल होने के बाद भी गुमराही के रस्े को इख्तियार करता है तो उसकी गुमराही उसी पर है और उससे अपनी मर्ज़ी से गलत रस्से का इंतब किया और अपने अंजाम का जवाबदार व खुद है इसके बाद आखिरी जो आयत आज हम पढ़ेंगे वो अल्लाह ताली ने जो अकीद आखरत है उस हवाले से हम सब की असलाह के तौर पर और दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत हमारे सामने बयान की है मुशिकी मक्का और आज के दौर के अंदर भी और पूरी तारीख के अंदर भी अगर इंसान अल्लाह के बारे में गलत ख्याल या गलत अकीदे के बारे में सोचता है तो उसकी वजह यह है कि उसका आखरत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अल्लाह ताला ने कुर करीम में इस सूरत में बहुत सी आयत के अंदर उनके इस अकीदे की असलाह भी की है और दुनिया की जिंदगी के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन नमा मसल हयात दुनिया कमाजल इन फख्त तभी नबातुलरत दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो ऐसे है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया फिर इससे ज़मीन की पैदावार ज़मीन की न जिनको आदमी भी और चौपाए भी खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली फसलें लहलहा उठी जमीन हरी भरी हो गई यहाँ तक कि जब वो ज़मीन अपनी पूरी रौनक को अपनी पूरी फसल को और अपने पूरे ख़जाने उसने बाहर निकाल दिए और इसकी खूब जेबाइश हो गई दुनिया वालों ने भी खूब उसके मज़े उड़ाए और इसके मालिकों ने यह समझ लिया कि अब हम इस पर काबिज हो चुके हैं वज़न न आहलू अन नुम का दरून आ रही हा कि अब हमारा तो अगर आप पिछला सारा हिसाब किताब ठीक हो गया है अब हर चीज़ की सेटिंग हो गई है तो अल्लाह फरमाते हैं तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ़ से कोई हुक्म आ पड़ा अल्लाह की तरफ से हुक्म आया वह फसल जो तैयार थी उस फसल को कीड़ा लग जाए वो फसल तबाह हो जाए वह जो दुनिया ने माल इकट्ठा कर लिया था उस माल की तबाही का हुक्म आ गया कोई सैलाब आया कोई आंधी आई कोई कीड़ा आ गया कोई वायरस आ गया अज़ाब की कोई सूरत आ गई और वो सब कुछ जो उन्होंने जमा कर लिया था हमने उसको ऐसे साफ कर दिया गोया कि वो था ही नहीं फ़जाल ना हसीदन काम तग न बिलम्स वो था ही नहीं यानी वो ऐसे गायब हुआ जैसे था ही नहीं तो दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल और हकीकत अल्लाह ने बयान फरमाई कि ये ऐसी है जो लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है ये जब ख़त्म होगी और अगला जहान सामने आएगा तो फिर ये इनको लगेगा कुछ था ही नहीं इसलिए इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीक़त बस इतनी है ये मोहलत अमल है ये अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद दिन हमें दिए हैं ये देखने के लिए लिया बलुआ कुम अय्यू कुम महसन आमला तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करता है तो ये मोहलत अमल अल्लाह ने दी है और मुझे और आपको मौका दिया है कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को मान के बसर करें ताकि हम आख़रत में उसके जन्नतों के मुस्क बन सकें अल्लाह रब से दुआ है कि मुझे और आपको हम सबको जन्नतों का हकदार बनाए इस दुनिया की हकीकत को समझने और आखरत की हकीकत को समझने और इस दुनिया की जिंदगी को आखरत के अच्छा बनाने की तोफ़ी अतः फरमाए आखिर तवाना अनिल रबीन